हमारी जो धनु है वो धूप से कैसे लाल पीली हो रही है। अरे यार ये किसने कर दिया यार, ये देखो यार, इसी का ही सिर्फ इंतजार है। ये देख सकते हो गाइस यहीं बाहर ही अभी चेकअप चल रहा है सर का, और अभी आप देखना कि कितना तगड़ा वाला भीड़ होने वाला है आज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हो, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज है रमज़ान करीम का तीसरा दिन यानी तीसरा रोज़ा, और आप सभी को मेरी तरफ से तीसरा रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आई होप कि आप सभी का तीसरा रोज़ा भी अच्छे से जाए। तो अभी बज रहा है सुबह का 4:45 और मैं नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, तो चलिए नमाज़ पढ़ने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। बज रहा है 5 और मैं नमाज़ पढ़कर आ चुका हूँ, और अभी जा रहा हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से नींद लगी हुई है। मंजिले फौज का एक सफीना है ये, मोमिनों के लिए बाएसे मग़फ़िरत, सब्र का इश्क का एक करीना है ये। तो अभी बज रहा है 8, मैं सोकर उठ चुका हूँ और अभी दुकान जा रहा हूँ, और अभी आप मौसम देख सकते हो जो कि थोड़ा क्लाउडी टाइप का मौसम है। आज का जो मौसम है वो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए ये देखते हैं ये मौसम जो है ये कब तक रहता है। तो अभी हम लोग चलते हैं दुकान। मैं दुकान आकर पहुंच चुका हूं, और मैं अभी हमारे दुकान में हूं, और आज है संडे, और आज जो डॉक्टर आने वाले हैं दो डॉक्टर आने वाले हैं। पहले जो आने वाले हैं वो सुधीर कुमार साहू, जो कि 12 बजे आएंगे, और शाम के टाइम जो आएंगे मतलब 5 बजे के टाइम, वो है विद्याधर पात्रो। सुधीर सर का तो जैसे तैसे चला जाएगा, बट पात्रो सर का जो है वो तगड़ा वाला भीड़ होने वाला है। पता नहीं आज का रोज़ा कैसे क्या जाएगा। और दोस्तों ये देख सकते हो कल रात को ही 3-4 कार्टन जो है ये माल आया हुआ है, अभी इसको साइज करके मुझे रखना है, और राज अभी तक नहीं आया हुआ है, राज आएगा 9 बजे, तो मैं भी जितना हो सकता है उतना साइज करके रख दूँगा, तो वो आने के बाद फिर दोनों मिलकर साइज करेंगे। सो दोस्तों अभी बज रहा है दिन का 12, और मैं सुबह दुकान से 10 बजे आ गया था, मुझे मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा था, तो इसके लिए मैं दुकान से घर आ गया था। घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ। सो अभी जो डॉक्टर आने वाले हैं सुधीर कुमार साहू, वो देख सकते हो हमारी जो धनु है वो धूप से कैसे लाल पीली हो रही है। अरे यार ये किसने कर दिया यार, ये देखो ये किसने किया यार, पता नहीं क्या है, पता नहीं ये क्या है, ये किसने किया यार। तो इसीलिए गाइस मैं कभी अपने बाइक को बाहर नहीं रख के जाता हूँ। देखो आज रख के गए हैं, आज ऐसा हो गया यार, मूड ऑफ हो गया। आरफ बहू जरा घस दे, छूट रहा है ना। हाँ चलो चलो, छोड़ दे गरम है ना, पूछ दे यार, थोड़ा गाड़ी को छो, मैं रखूँ बहुत गर्म हो गया, सफा कर दे, बहुत ज़्यादा गर्म है ना। हाँ छोड़ दे हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म है यार। चलो तो दोस्तों अभी बज रहा है 2, और अभी आप मौसम देख सकते हो क्योंकि थोड़ा क्लाउडी टाइप, जो कि थोड़ा क्लाउडी टाइप का मौसम हो चुका है, और सुधीर सर जो आए थे वो घर चले गए हैं, और मैं भी जा रहा हूँ घर। तो मैं घर आकर पहुँच चुका हूँ, और ये देख सकते हो इसी का ही सिर्फ इंतज़ार है। बारिश जब होगा तो मैं इसी में पक्का आज नहाने वाला हूँ। अब देखना वो है ये जो बारिश है ये कब होगा और कब मैं नहाऊंगा इस बारिश में। तो दोस्तों बारिश का इंतज़ार करते करते पूरा 4 बज गया, ना बारिश हुआ और ना ही मैं नहा पाया। तो अभी बज रहा है 4, और अभी हम मौसम देख सकते हो क्लियर हो चुका है यार,
अब क्या ही कर सकते हैं। मैं ऐसे ही घर पे लेटा हुआ था तो भैया का कॉल आया कि विद्याधर पात्रो सर का जो गाड़ी है वो ख़राब हो चुका है, तो उनको हमें जाकर लाना पड़ेगा। तो मैं भी आया था कार निकालने के लिए ये देख सकते हो कितना गंदा होके पड़ा है कार यार। और ये देखो इसका प्रेशर ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे प्रेशर चला गया। तो अभी इसको पहले प्रेशर दे देते हैं, तो चलो अब इसमें प्रेशर देते हैं। ये देखो मैंने इसको लगा दिया है, तो इसमें भी प्रेशर देने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। विद्याधर पात्रो सर को लेकर आने के लिए मुझे जाना पड़ेगा टाउन, जो कि यहाँ से 15 से 17 किलोमीटर है। तो दोस्तों जब तक प्रेशर फील हो रहा है तब तक पानी लेकर आ जाते हैं कार में मारने के लिए। निकल चुका हूँ सर को लाने के लिए और अभी मैं रास्ते में हूँ, ये देख सकते हो। तो मैं पहुँच चुका हूँ जाजपुर टाउन और मैं अभी सर के यहाँ हूँ। अभी आप देख सकते हो ये है सर का घर। सर को कॉल कर दिया हूँ, सर अभी आ रहे हैं, तो वो आने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो फाइनली 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद सर जो थे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग ये देख सकते हो गाइस बाहर ही अभी चेकअप चल रहा है सर का। सो दोस्तों पात्रो सर को लेकर पहुंच चुका हूं और अभी मैं अपने दुकान में हूं और अभी बज रहा है रात का 8 और मैं दुकान से घर आ चुका हूं और अभी मैं अपने घर के पास में ही हूं। और आज का जो रोज़ा गया वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में गया। आप लोगों का कैसा गया ये तो मुझे पता नहीं, बट मेरा जो रोज़ा गया वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में गया। आप लोगों ने तो देखा होगा कि आज दुकान में कितना ज़्यादा भीड़ था और आज था संडे। ये हर संडे हमारे दुकान में जो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और उसकी वजह से जो इफ्तार भी जो टाइम में नहीं हो पाया। इफ्तार जो हुआ मेरा आज का सिर्फ एक खजूर और एक बोतल पानी से ही हुआ और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत वीकनेस लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, खाने के बाद सीधा थोड़ा रेस्ट करेंगे और आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए और फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।